हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने जो कि आइडिया की सिम में बंद कर सकते हैं कलर टून वगैरह। अपने टाइटल में तो देख ही होंगे और अदर सर्विस होगा तो उसे भी बंद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही सब बात करने वाला हूँ। तो गाइस चलिए अब जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आता रहता हूं, आप लोगों के लिए हेल्प होता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं, अब जानते हैं स्टेप बाय स्टेप आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि अपने डायल पैड में जाइए और डायल पैड में कौन सा नंबर डायल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको नंबर डायल करना है 155। कॉल जैसे ही करेंगे आपको इधर से बोलना स्टार्ट करेंगे ये लोग, तो इंस्ट्रक्शन देंगे तो आपको ये बोलेगा कि अगर एक्टिवेट करने के लिए आपका ये चालू, आप देख सकते हो बोल रहा है ये। अगर आप बंद करवाना चाहते हैं तो ऐसे ही आप भी दबा दीजिए जैसे कि मैंने दबा दिया एक। उसके बाद आपका मैसेज तुरंत ही आ जाएगा, ये देख सकते हैं मेरे को एक मैसेज मिल गया है। एक और मैसेज आएगा अभी और आप देख सकते हैं ये मेरा दूसरा मैसेज आ चुका है और मेरा डीएक्टिवेट हो चुका है। मेरा जो कलर टून था वो एयरटेल के अंदर आप भी डीएक्टिवेट इसी तरीके से कर सकते हैं। गाइस ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और गाइस अगर सिम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, जैसे किसी और के सिम अपने नाम पर करवाना चाहते हैं और मतलब अपने भाई दोस्त का चलाते हैं, अब चाहते हैं कि अपने नाम पर हो जाए तो वो हो सकता है। और इन सब से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आपका कोई भी डाउट हो, सुझाव हो, कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो गाइस आप फिर से बताना चाहूँगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम आते हो तो कमेंट कर सकते हैं, बैंक से रिलेटेड भी और UPI से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।